सफलता आपके पैर चूम लेंगी। चार टिप्स मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए पहली टिप ऐसी है कि पसीना बहुत ज़्यादा बहाना पड़ता है, और वो कब बहाना पड़ता है, जब सब शांति है तब। मतलब जब एक्चुअली मैच नहीं है क्रिकेट की, तब ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। इसका मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक्चुअली मैच से वो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। एग्ज़ाम नहीं है तभी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्ज़ाम के समय ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से एग्ज़ाम होगी। ऐसी एक चीनी कहावत है कि जब जंग नहीं है, पीस है, शांति है, तब यदि आप पसीना नहीं बहाओगे तो फिर जब जंग शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा। तो आपको पसीना बहाने का है कब, जंग चालू होता है तब नहीं, जंग के पहले, नहीं तो फिर जंग में खून बहाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा काम पहले करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसा बोला जाता है कि आपको एक घंटे का काम करना पड़ता है तो पहले 6 मिनट से लेकर 8 मिनट तक उसकी प्रिपरेशन करो, बहुत ज़्यादा पसीना बहाओ, ताकि आप जब एक्शन चालू करेंगे तब वो आप पक्के सक्सेस हो जाएंगे। तो पहला है कि प्रिपेयर करो, और थॉरो प्रिपेयर करो, मैसिवली प्रिपेयर करो। नंबर दो ऐसा हो जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब वैसा है, ऐसा हुआ है, डन डील, ऐसा बहाना करो। यदि आप ऐसा बहाना करते हैं तो बहाना करते 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 सच वो हो जाएगा। ये कैसा होता है कि जब आप बहाना करते, मतलब आपका बॉडी पॉस्चर, आपका बोलना, आपका चलना, जैसा वो अपने को मिल चुका है, उस तरह का आप रहते हैं, उस तरह का आप अपने आप को समझते हैं, आप खुश नहीं तभी आप खुश बताते हैं, आप फिट नहीं तभी आप फिट बताते हैं, तो जो भी आप बताते हैं फेक करते हैं, झूठ बाहर से बोलते हैं, मतलब बोलना नहीं है, झूठ बताते हैं, झूठ बर्ताव करते हैं, एक्चुअली वैसा हो जाएगा। क्योंकि अपने ब्रेन को ये समझता नहीं है कि एक्चुअली आप फिट है कि नहीं है। आप फिट भी नहीं है और तभी भी आपने फिट है, उस तरह से आपने बर्ताव किया, उस तरह से घूमे फिरे, बिहेवियर आपका उस तरह का है, तो ब्रेन को ऐसा लगेगा नहीं ये तो फिट है, और वो ब्रेन एक्चुअली आपको फिट कर देगा। ऐसा बोला जाता है कि आप बूढ़े होते हैं करके आप खेलना बंद नहीं करते, आप खेलना बंद करते हैं इसलिए आप बूढ़े हो जाते हो। तो करना चालू करो, काम करना चालू करो, काम रखना चालू करो। समझो आपको कार लेनी है, कार मिलती नहीं, मर्सिडीज कार लेनी है, मगर मर्सिडीज कार मिल गई है, मर्सिडीज कार में मैं बैठा हूँ, मर्सिडीज कार का चित्र उसमें बैठा हूँ, और बैठा हूँ करके ऐसा कल्पना करना है, उसमें घूम रहे है, उसको फील करना, उसका अनुभव लेना, ऐसा एक्चुअली करना है। अब जब आप बार बार ऐसा करोगे, ब्रेन को ऐसा लगता है कि सच्ची कार आ गई, और फिर ब्रेन उसकी जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आपको एक्शन लेने के लिए बाध्य करेगा। तो ये फेक इट टिल यू मेक इट, ड्रामा करना है, क्योंकि ब्रेन को समझता नहीं है कि एक्चुअली ड्रामा हो रहा है, कि एक्चुअली वैसा हो गया है। तीसरी जो है कि भाई 1000 मील का जो जर्नी है वो पूरा हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक कदम डालना जरूरी है, और वो अभी डालना जरूरी है। 1000 मील का जो जर्नी है, सफ़र है, यात्रा है 1000 मील की, उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, और एक पहले कदम से शुरू होगी और वो कदम डालना पड़ेगा। मगर हम यदि बोलेंगे 1000 मील कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में चिंता करेंगे तो होगा नहीं, एक एक कदम डालते जाएंगे। चलो एक कदम हो गया, चलो अभी एक ही कदम डालने का है, चलो बाद में भी एक ही कदम डालने का है, ऐसा जब आप एक ही कदम देखते जाएंगे यात्रा पूरी हो जाएंगी। एक आदमी जंगल में, घने जंगल में था, उसके पास में दिया सलाई थी, और मतलब उसके पास में ऐसा छोटा दिया सलाई बोलते वो था, और उसका जो लाइट था एकदम आसपास में 2 फीट ही गिरता था। बोले कि मैं कैसा जाऊं, क्या जाऊं, जंगल तो बहुत घना है, अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पत्नी ने उसको बोला कि देखो आपको तो घने जंगल में जाना है, और हम दोनों भी जाने वाले हैं, मगर आपको तो उतना ही जाना है जितना आपको दिख रहा है, पैर तो एक ही डालने का है, और 1 फुट तो अपने को दिख ही रहा है ना क्या है, तो एक एक फुट डालना चालू करो, एक 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 कदम डालना चालू करो, आप जंगल पार करेंगे, हम चालू करेंगे दोनों भी। तो उसको भी आइडिया पसंद आ गई और उसने चालू कर दिया, रास्ता पूरा पार हो गया। तो 1000 मील का जो यात्रा है वो एक कदम से शुरुआत होती है, एक कदम डालना पड़ता है। चौथा जो है कि आप आपका वचन पूरा करते कि नहीं, आप लोगों को वचन देते हो, और वो वचन आपने जो शब्द दिया है वो शब्द का पालन करते कि नहीं करते। यदि आप शब्द का पालन करते हो, जो बोला वो करते हो, और जैसा बोला वैसा, और जिस समय पे करना चाहिए उस समय पे करते हो, तो लोगों का आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं ये शब्द का बहुत ही पक्का है, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और सिर्फ आपके बोलने में काम हो जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास है, आपकी बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाएगी। तो यह आप यदि करते हैं तो डेफिनेटली सफलता आपके पैर चूम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।